का मुद्दा शहर में चल रहा है, ऑनलाइन प्रक्रिया जो है चालू है, प्रशासन द्वारा यही आह्वान किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है इस रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया को जो है पूरा किया जाए, इसमें जो है सभी लोग फॉर्म भरे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विरोध भी है क्योंकि कई चीजें इसमें जो है रेगुलराइजेशन में जो होनी चाहिए धोखादायक इमारतों के चलते और अन्य मुद्दों के चलते वो चीजें वो राहत लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो किस प्रकार का प्रयास रहा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, आपने पत्र व्यवहार भी किया है प्रशासन से, जानना चाहेंगे क्या क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले ये जो प्रक्रिया है ना ये अच्छी है, लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर जो चीज़ें डाली गई है या जो चीज़ हो रही है उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए और ये प्रक्रिया इजी कर देना चाहिए। ये जितना इजी होगी उतने लोग फटाफट फॉर्म भरेंगे। अभी सबसे पहले गवर्नमेंट को अभी जो अलॉटमेंट हुआ है उसमें खाली बिल्डिंग लीगलाइज नहीं करना है, इनको पूरा उल्लासनगर शहर रेगुलाइज करने का है। जब पूरा शहर रेगुलाइज करने का है तो इसकी जानकारी हर एक आदमी तक पहुंचना चाहिए, तो प्रशासन कहीं ना कहीं उसमें कम पड़ रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि हम लोग ने न्यूज़पेपर में दिया, इनको बुलाया उनको बुलाया, इससे थोड़ी लोगों तक वो मैसेज जा रहा है। तुमको लिटरली उसके लिए रास्ते पे उतरना पड़ेगा, तुम्हारे ऑफिसर लोग को एरिया एरिया में जाके लोगों को समझाना पड़ेगा, या तो फिर तुम एक रिक्शा करके उनको बोलो कि रेगुलाइज की प्रक्रिया उल्लासनगर महानगर पालिका में चालू है, आके तुम लोग फॉर्म भरो। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, गिने चुने लोगों को बता के उनको ही वही 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 वही, उससे वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इनको अगर सही मायने में और सच्चे दिल से इस जगह शहर को रेगुलाइज करना है तो इनको सही तरीके से काम करना होगा। नंबर दो, इन्होंने जो रेगुलाइज का रेट रखा है इनका कहना है 2019 के रेडी रेकनर के हिसाब से उसका पैसा भरना पड़ेगा, और हमको दंड नहीं भरना है, हमको गवर्नमेंट के जगह का पैसा भरना है, यानी गवर्नमेंट से वो जगह हम लोग वो भाव से खरीदेंगे। आज 1, 2, 3 में अगर तुम देखा जाए तो 18,300 रुपये रेट है उसके स्क्वायर चौरस मीटर, यानी कि 11.5 फुट जगह आता है उसमें। उसके बाद में अगर 4 नंबर में आ जाओ तो 12,600 है, और अगर 5 नंबर में चले जाओ तो 10,800 चौरस मीटर है। 3 रेट है, अलग अलग है। अगर एक आदमी 1 नंबर में 200 स्क्वायर फीट के घर में रहता है तो उसको उसका अगर उसका घर रेगुलाइज करना है तो 4 लाख रुपया मांगते हैं। जो आदमी दिन में कमाता है और दिन में खाता है वो 4 लाख रुपया कहाँ से लाएगा, मतलब उसका घर रेगुलाइज नहीं होगा। तो प्रशासन को पहले ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। सबसे पहले हमने मांग की है कि ये जो प्रक्रिया का तुम दर लगा रहे हो, रेट लगा रहे हो, वो 2019 के रेडी रेकनर के हिसाब से नहीं लगाओ, ये 2006 के रेडी रेकनर के हिसाब से लगाओ ताकि हमको कम से कम पैसा भरना पड़े। नंबर दो, 855 बिल्डिंग में के 40 बिल्डिंग को इन लोग ने नोटिस दे दिया कि अगर तुम लोग इस प्रक्रिया में नहीं आते हो, फॉर्म नहीं भरते हो, पैसा नहीं भरते हो, अपना प्रॉपर्टी रेगुलाइज नहीं करते हो तो आपका बिल्डिंग तोड़ दिया जाएगा। बाप का राज है, वो लोग 30-35 साल से उस घर में रह रहे हैं, आज अगर उनके पास अपना घर रेगुलाइज करने के लिए पैसा नहीं है तो तुम क्या उनको रस्ते पे ला के रख दोगे क्या? ये कौन सा तरीका हुआ? तुम उनको बिठाओ, उनके साथ बात करो, चर्चा करो, उनको पूछो तुम्हारी क्या अड़चन है और फिर आगे बढ़ो ना। तुम सीधा जाके नोटिस चिपका दोगे, तोड़ डालेंगे, ये कौन सा बात है? कल अगर एक आधा बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कुछ हो जाता है, किसी के घर में मर जाता है, वो क्या करेगा? किसी ने सुसाइड कर लिया, वो आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? प्रशासन को अपना तरीका बदलना पड़ेगा, प्रशासन को प्रशासन के तरीके से काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये भी चीज देखने को मिली कि जिस तरीके से आपने कहा कि रेगुलराइजेशन के लिए कमिश्नर ने कहा कि कई पत्रकारों को कहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, हम जनहित में जारी कर रहे हैं, लेकिन लोगों में उतनी जो है वो चीजें नहीं दिखाई दे रही। और जो लोग इस मुद्दे के लिए बात कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि वो गुमराह कर रहे हैं, मैं तुमको उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा कहती है प्रशासन। नहीं नहीं, प्रशासन को नॉलेज अगर लोगों को नॉलेज नहीं, तुम नॉलेज दो ना, तुम उनको प्रक्रिया समझाओ। अगर मेरा 500 स्क्वायर फीट का घर है, तुम्हारा आदमी मेरे को आके बोले कि भाई तुम्हारा 2005 के पहले का घर है, 500 स्क्वायर फीट है, इतना तुमको भरना है, ऐसा ऐसा करो, ये ऑनलाइन आ जाओ, ये ऑफलाइन आ जाओ, फॉर्म भरो, खुला करो, तुम समझाओ ना, हम लोग अनपढ़ है, तुम्हारा काम है समझाना। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि लोगों को समझता नहीं। तुम ऑफिस में बैठ के अगर लोगों को और 5 साल भी समझाते रहोगे तो ये लोग समझेंगे नहीं है, उसके लिए तुमको रस्ते पे ही आना होगा। लोग न्यूज़पेपर कितना लोग पढ़ते हैं, ये लोग बोलते हैं हमने 8 न्यूज़पेपर में दिया, 9 न्यूज़पेपर में दिया, सिंधी में दिया, हिंदी में दिया, मराठी में दिया, कितना लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं?
इसलिए अरे तुम जब अभय योजना लाते हो, जब तुमको टैक्स का वसूली करना होता हो, तब तो तुम जोर जोर से रिक्शा लेके चिल्लाते हो, चिल्लाओ ना कि भाई तुम्हारा प्रॉपर्टी रेगुलाइज किया जाएगा, ऐसा ऐसा प्रोसेस है, सामने आके मिलो, तुम्हारे ऑफिसर बिठाओ उधर, हमने मांग की है, और दो नगर रचनाकार और टाउन प्लानर चार, ये सिटी सर्वे के चार ऑफिसर पहले बिठाओ। ये शहर बहुत बड़ा है, एक दो ऑफिसर से ये काम नहीं चलने वाला है। अभी हमारा टीपी एक महीने के बाद रिटायर होने वाला है, हमारा फायर ऑफिसर रिटायर होने वाला है। अभी मेरे को एक बात बताओ, मेरा बिल्डिंग अगर 30-35-40 साल पहले का है, मेरे को स्टेबिलिटी कौन देगा, कौन गारंटी लेगा उस बिल्डिंग का? बड़ा सवाल है। हाँ, उसमें फायर सिस्टम कैसा डालूंगा मैं, अभी ONUC कैसा मिलेगा मेरे को, इसके ऊपर प्रशासन क्या कर रहे हैं? हाल ही में अभी जो आपने पत्र व्यवहार किया है, तो कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से, या फिर इसमें किसी तरीके से, इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं, अगर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप अगर उससे जानकारी की तरह देखेंगे तो काफी दिक्कतें हैं, काफी नॉर्म्स में दिक्कतें हैं, तो क्या प्रतिसाद रहेगा अगर इस प्रक्रिया में अगर बदलाव नहीं होता है? अगर प्रक्रिया में बदलाव नहीं होता है तो ये सब जीरो हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा, जैसा 2006-2010 तक हुआ वैसे ही वापस हो जाएगा। ये ऐसा होना नहीं चाहिए कि उल्लासनगर बदनाम हो चुका है, अनलीगल है, ये रेगुलराइज होना चाहिए। बट इसके लिए प्रशासन को भी सामने आना होगा, हम लोग उनके साथ है, हमारी हेल्प लो, तुम्हारे आदमी दो, उनको समझाने के लिए बोलो, हम लोग मीटिंग अरेंज करेंगे, लेकिन लोगों को समझाओ कि ये क्या है। जब तक लोगों को ये चीज़ समझेंगी नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और सबसे पहले रेट कम करो, तुमको रेडी रेकनर के हिसाब से रेट भरने के बाद में अगर 18,300 का रेट लगता है, मैं मेरे घर का पैसा भर देता हूँ, उसके बाद में मेरे को 20% दंड है, वो जगह रेगुलाइज हो जाएगी, घर रेगुलाइज नहीं होगा, वो घर के ऊपर वापस 20% पेनल्टी है। तो ये सब जो बना के रखा है उसको खत्म करो, बैठो उसको एकदम ईजी करो। अच्छा, ये जो प्रक्रिया चल रही है ऑनलाइन की, अभी इसमें ये भी खबर चलाई थी हमने कि ऑनलाइन जो जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वही वेबसाइट जो पिछले कई 5-6 दिनों से बंद थी और इसके बारे में किसे पता भी नहीं था, इसलिए लॉगिन कर रहे थे लेकिन दिक्कतें हो रही थी, इसलिए हमने उनसे मांग की थी कि तुम दोनों साइड से चलो, ऑनलाइन भी लो ऑफलाइन भी लो, जिसको ऑनलाइन करना है ऑनलाइन करेगा, जिसको ऑफलाइन करना है ऑफलाइन करेगा। अभी तुम लोग बोल रहे हैं कि उल्लासनगर में डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है, क्या वो ऑनलाइन डुप्लीकेट स्कैन नहीं हो सकते क्या? क्या वो स्कैनर में डालने का वो डॉक्यूमेंट ऐसा स्कैन ही नहीं होएगा डुप्लीकेट करके? हाँ, अरे जो देगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पैसा भरेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रॉपर्टी रेगुलाइज कर रहा है उसका जिम्मेदारी है, मांगता है तो तुम एक ये भर के लो, उसके क्या हम शपथ पत्र भर के लो कि इस डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत रहा तो मैं उस सजा का हकदार हूँगा। लेकिन ये कौन सा तरीका है? ये तरीका नहीं है। इसका मतलब तुम ऐसे 6 महीने नहीं 10 महीने भी ऐसे करते रहोगे और ये प्रक्रिया पूरी होने के लिए कम से कम 1-1.5 साल लगेगा। ये महीना 2 महीने में रेगुलाइज होने वाला शहर नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए तुमको चलाना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होएगा। तुम बोलेगे 60 दिन तक होना चाहिए, 30 जनवरी तक होना चाहिए, 15 फरवरी तक होना, ऐसा होने वाला नहीं है। उसको कम से कम तुमको 1 साल का टाइम लेना होगा और एरिया वाइज काम करना होगा, ताकि तुमको ये भी मालूम पड़ जाएगा कौन बचा है, किसका हुआ है, किसका हुआ नहीं है, किसकी क्या अड़चन है, किसका फॉर्म जा रहा है, किसका नहीं आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तुम कोटक महिंद्रा को 1,000 रुपये दे रहे हो, बंद करके कॉरपोरेशन में रखो ना, 2-3 करोड़ रुपये कॉरपोरेशन का फायदा हो जाएगा। तुमको ठेकेदार काय के लिए मांगता है हर चीज़ के लिए? अभी हमारे डॉक्यूमेंट हम कोटक महिंद्रा को दे रहे, कर उसका मिसयूज हो गया तो जिम्मेदार कौन रहेगा वापस? नहीं, अभी तो हम लोग ने उनको निवेदन दिया है, हमारे जो आमदार है राजीव दादा पाटिल उनसे मैंने बात की है, वो भी अभी बाहर दे, वो आने के बाद वो भी कमिश्नर से मिलेंगे। हमारा जो शहर है वो रेगुलर होना चाहिए, इसके पीछे हम लोग हैं, लेकिन हमारी दो मांगे है। सबसे पहले तुम्हारा जो रेडी रेकनर का रेट है वो 2006 का होना चाहिए, और उस जगह पे जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उसकी पेनल्टी 20% के हिस्से के कम होना चाहिए। 5% लगे, 8-10% तक तुम लोग, वो हम लोग भरने के लिए तैयार है। तुम भरेगे 20 भरो 50 भरो, हम लोग नहीं भर सकते, हमारे शहर में सब लोग अमीर नहीं है। गवर्नमेंट इनको लगता है कि उल्लासनगर में बहुत पैसा है, सब लोग अमीर नहीं है, इधर बहुत ज़्यादा लोग गरीब है और उनकी हालत बहुत ख़राब है, सब लोग पैसा भरना मुश्किल है। इसलिए तुम लोग सही रेट लगाओ, सही तरीके से रेगुलाइज कराओ, हम लोग करेंगे ना, हमको भी लगता है हमारा शहर रेगुलाइज होना चाहिए, हम लोग आपका साथ देंगे, लेकिन आपको आपकी प्रक्रिया में सुधार करना होगा।